सर ये नईम सुबह और उमर महमूद है जी, इनकी बुकिंग कल शाम की है जी। नहीं ये तो है, वो मौलवी साहब मौलवी परवेज रहमान साहब के बच्चों ने आना था, उसका क्या हुआ भाई? वो परसों की कंफर्मेशन है सर। कंफर्म? हाँ जी। रैम्बो, रैम्बो। हाँ जी। तुम सफाई करके आए या मुआयना करके आए? सर जी मैं बताऊं जी, बहुनवीर साहब ने इसे कितनी बार समझाया कि देखो ये सरकारी नौकरी नहीं है, ईमानदारी से काम किया करो वरना। नहीं वरना क्या है? वरना शरना कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और ये तुम्हारे मुंह की घड़ी की जो सुई है ये 12 कैसे बजा रही है सुबह सुबह? सर जी वो जो कमरा नंबर 1 है ना जी, हाँ वो अंदर से बंद है और उसके ऊपर एक अंग्रेजी किस्म की चिट लगी हुई है पर्ची। अंग्रेजी किस्म की चिट? देसी किस्म की चिट? क्या बको मत। अच्छा जी सीधी बात करा करो, चिट पे क्या लिखा है? सर जी मैं इस जगह होता तो आज बहुनवीर साहब की जगह ना होता। चलो जी सर ऐसा करते हैं जी, मैं वो चिट पढ़ के आ जाता हूँ जी। ले अगर तू इस काबल होता तो आज शमीम साहब की जगह पे होता। ओए अल्लाह, इसीलिए गंजे को नाखन नहीं देता। चल मैं गंजा हूं ही नहीं। नवीद, नवीद। जी सर। यार तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, मैंने तुम्हें इतनी इज्जत की जगह पे बिठाया हुआ है। सर जी बिठाया हुआ है, 1 साल से खड़ा किया हुआ है जी। आपकी आदत ही उसी तरह है जिस तरह स्कूल के टीचर जो होते हैं ना वो बच्चे को डेस्क के पीछे खड़ा करके भूल जाते हैं। अच्छा ज्यादा बारवीद आप तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर दिमाग में भूसा भरा हुआ ना हो तो कोई काम भी आदमी कर सकते, मुश्किल ही नहीं। क्या मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो भाई? सर जी मैं बता दूंगा, मैं गया ना, मैंने ये चिट उतारी और ले आया हूं, ये पढ़ ले आप बस आसानी। चिट्ठी ले आओ। लेडीज एंट्री ओनली, लेडीज एंट्री ओनली। सर जी ये क्या चक्कर है जी? सर कल से एक बुर्का पोश खातून कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मैं, अब मैं समझा। ये क्या मुसीबत है भाई, क्या एक तमाशा बनाया है छोटी सी बात को खामखा। मैं ऐसा करती हूँ मैं खुद जाती हूँ कमरा नंबर 1। भाई ऐसे ही वैसे आज ही ठहरे, आज जब सारी ड्यूटियां करेंगी ना तो फिर ये जाके मेरा काम ही कर। जी राजा साहब। हाँ ये बताए आपने वो हमारा काम किया या नहीं? जी क्या कहा? 12 लाख? कमाल करते हैं राजा साहब, कभी इस्लामाबाद के किसी अच्छे सेक्टर में भी आपको 12 लाख का प्लॉट मिला? राजा साहब कुछ आप हमारे स्टैंडर्ड का ही ख्याल कर लिया करें। देखिए मैं यहाँ 2-3 दिन हूँ, हाँ आप हमसे यहाँ पे रब्ता करें और कोई अच्छी सी जगह जरा हमारे मेयार के मुताबिक देखें। हाँ हाँ अच्छा जी फिर ठीक, ओके अस्सलाम वालेकुम। हेलो, रॉन्ग नंबर, अभी राज लागे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह क्या जौके फरेश नासी पाया है। लगता है मसूफ सरकारी मुलाजमत का वसी तजर्बा रखते, इसलिए तो फोन बंद करके मैं हुए खाब है। ओ यार झुकते ही लगाते जाओगे या इसे उठाओगे भी? ये क्या बदतमीजी है, क्या हो रहा है? बस आप ही की कमी थी जनाब। जी मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ। जनाब अपना तारफ तो कराइए, क्या शोर की वजह से आपकी नींद भी आराम हो गई है? तारफ आराम से, आराम से। ये इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं। वाह कमाल के मालिक हैं। देखिए अब जाने दीजिए, मुझे ये बताइए क्या हो रहा है, सारा कुछ क्या हो गया? वो सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला जी, ये कोई ये रात के इतने बजे, पता नहीं किस वक्त 12 बजे 1 बजे गेस्ट हाउस का जुलूस क्यों निकाला जा रहा है सुकून का? जनाब ये काउंटर वाले साहब से पूछिए,
इन्होंने घंटे भर से टेलीफोन एंगेज किया हुआ है। मैं क्या सुन रहा हूँ ये? नहीं सर, मैंने तो ये जी घंटियां बाज रही थी जी बड़ी देर की, तो मैंने कहा नवीर साहब की नींद में खराब ना पड़े तो मेरी नींद भी उठ गई थी, फिर मैंने रिसीवर नीचे कर दिया जी। और तुम्हें कितनी दफा मैंने कहा है कि अरस्तु बनने की कोशिश मत किया करो। अच्छा जी, अरस्तु बनने के चक्कर में सारे के सारे मेहमानों की नींदों का हराम कर दी। हमारी नींद तो कमरा नंबर 5 के बदतमीज ने खराब की है। वो कैसे? रात 9 बजे से मुसलसल लोहा कोटने की आवाजें आ रही हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग अपने अपने कमरों में जाइए, मैं देखता हूँ ये लोहा कूटने की आवाजें जो आ रही है ये कौन है। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, मैं देखता हूँ उसको 5 नंबर वाले को क्या। चलो मैं यार नासिर, तुम्हारी ट्रांसफर का चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा। यार चिश्ती, तुम्हें तो पता है यार इस तनख्वाह से क्या बनता है यार। पार्ट टाइम के लिए दफ्तर से जल्दी भागने पर कई दफा वार्निंग मिली और एक दफा तो चार्जशीट भी हुआ। अच्छा आगे बोलो, आगे क्या हुआ? होना क्या था यार, बाजार का सारा काम मैं दफ्तर ले आया करता था और शाम तक यहीं बैठकर जाती काम करता रहता था। लेकिन जनाब आपकी ट्रांसफर क्यों हुई? यार वही तो बता रहा हूँ, वहां पे दो जो टाइपिस्ट थे ना वो मेरी कमाई से बहुत जलते थे। उन्होंने बिल आखिर क्या किया, मेरे अफसरान ने बाला को शिकायत करके मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करवा दिया। अच्छा ठीक है, ट्रांसफर का चक्कर तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन इतने बड़े गेस्ट हाउस में रहने का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया। यार चिश्ती, तुम्हें तो मालूम है कि इस्लामाबाद में ना तो अकोमोडेशन सस्ती है और ना ही कन्वेंस, बस ये गेस्ट हाउस बहुत थोड़ा सा गरीब नजर आया जहाँ से मैं पैदल दफ्तर भी जा सकता हूँ, सो मैं आ गया। लेकिन यार ये तो बहुत महंगा है, तुम्हारी सारी तनख्वाह से भी इसका खर्चा पूरा नहीं होगा। अरे बुद्धू, ये देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? दफ्तर का काम? दफ्तर का नहीं, कचहरी का काम। वो अपना दोस्त खालिद है ना, एडवोकेट, बस मेरे आते ही उसने 2 टाइपिस्टों को गोली करा दी, छुट्टी करा दी उसने। यार किसी की रोजी पर लात मारना बहुत बुरी बात है। और जो मेरे पेट पर लात पड़ी है उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं? सर जी आहिस्ता आहिस्ता क्या सुने? सर जी सारे कमरों की घंटियां बार बार बज रही हैं और मेजबानों ने अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम? हाँ जी वो दे दिया, कहते हैं जी 5 मिनट के अंदर सारा शोर बंद करें नहीं तो हम गेस्ट हाउस छोड़ के निकल जाएंगे। आहिस्ता बोलना नवीद, तुम फौरन जाओ जाकर टेलीफोन पर उन सबके पांव पकड़ लो। अच्छा और मैं अभी इस टाइपिस्ट के बच्चे को ओवरटाइम गिनवा कराता हूँ। आप गिनवाएं, मैं बाहर गिनता हूँ। ठीक जाए। ये दूसरा आदमी क्या कर रहा है यहाँ इस वक्त? जी ये मेरा सिंगल रूम है, पता है आपको? ये मेरा दोस्त चिश्ती है जी। ओ चुस्ती हो या सुस्ती हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ओहो आप तो वैसे ही नाराज हो रहे हैं, मैं यहाँ का मकामी बाशिंदा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद अपने घर वापस चला जाऊँ। मैं वैसे ही नहीं नाराज हुआ, आप मकामी बाशिंदे तो होते रहेंगे, थोड़ी देर में नहीं अभी और इसी वक्त आप अपने दोस्त को लेकर निकल जाए यहाँ से। जी वो क्यों? वो इसलिए कि ये गेस्ट हाउस है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। आपने क्या समझा हुआ है? ये चंडू खाना है यहाँ पे, ये रात के बिल्कुल आधी रात को आप ये लोहा कूटने की आवाज हमारे गेस्ट किस लिए सुनेंगे, किस लिए बर्दाश्त करेंगे? और आपके पार्ट टाइम के लिए मैं अपना फुल टाइम गेस्ट हाउस दाव पे लगा दूं, आपका क्या ख्याल है? चले मैं आपको किराया भी माफ करता हूँ, जाए निकल जाए। पर शमीम साहब मैं इस अंधेरे में कहां जाऊं जी? जी मेरी बला से आप भाड़ में जाए, जन्म में जाए, जहां मर्जी जाए। जी बेहतर। 2 मिनट के अंदर अंदर चाबी काउंटर पे होनी चाहिए, समझे आप दोनों? समझे? ओ यार भाई नवीद, ओ यार मैं सलाम कर सकता हूं टू वेरी फ्रैंक भी है? वालेकुम सलाम जी, शायद काशी साहब आप किधर सवेरे सवेरे आज? ओ यार मैंने रात बहुत बुरा ख्वाब देखा है यार। जाहिर है जी जब उधार इतना सर पे चढ़ गया हो तो फिर ख्वाब तो ऐसे ही आएंगे ना। और नहीं यार, और पूरी बात सुन लिया करो यार। अच्छा सुनाएं जी। यार मैंने देखा है ख्वाब में कि ये खूबसूरत गेस्ट हाउस बंद हो गया है। तो अडेलो में कभी कोई अच्छी खबर नहीं आई? ओ यार भवनवीर,
यार मैं तो तेरे लिए हर वक्त दुआ करता हूँ यार कि तुम जो है ना मैनेजर से मालिक बन जाए। हाँ। पर मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो यार। पंच लाइन आपने पहले सुना दी है, अब तफसील का क्या फायदा है? ओ यार क्या, अच्छा अच्छा पूरी बात सुना जाए, ख्वाब सुनाए। बात ये है, ख्वाब मैंने देखा। अच्छा। वो जो रैम्बो है ना हमारा, वो फिल्मों में बहुत बड़ा हीरो बन गया है। अच्छा। और वो जो मुरादा है ना, उसने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है। बिजनेस? हाँ वही। और तुम जो है ना बहुत बड़े होटल के ना, फाइव स्टार होटल के मैनेजर बन गए हो। देखें जी, ये कुछ खबरी तो रैम्बो और मुराद के लिए हुई ना, मैं तो फिर वही मैनेजर का मैनेजर रहा। हाय हाय, अजीम किसी भी। और यार बावनवीर, और इंसान को इतना भी ना शुक्र नहीं होना चाहिए टू वेरी फ्रैंक भी। अच्छा अच्छा, ज्यादा खफा होने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह करें, वो जो आपके ऊपर बकाया रकम है वो दे दें। हाँ वही तो मैं देने के लिए आया था यार। कितने पैसे है तुम्हारे? 1900 रुपए हैं। 1900? अच्छा 1900। ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह बारह अठारह उन्नीस बीस, ये लो 2000 है पूरे। 100 रुपया तुम्हारी टिप है, जाओ मेरी तरफ से। ये अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसा चल रहा है काम आजकल आपका? बस आपकी करम नवाजी है सर। चले फिर होगी मुलाकात इंशाल्लाह। जींदे रह किसी भी है। चाबी अच्छा ये बताओ कि वो खातून जो पहले दिन कमरे में आई थी वो कौन थी? आस्था बोलो, इस गेस्ट हाउस की मालकन है, बड़ी नकचड़ी है, बड़ी जबरदस्त औरत है। ये और बात है कि मेरी जानने वाली है। भाई मानती हूँ तुम्हारे शमीम साहब को, ये उन्हीं का हौसला है जो उसके साथ निभा कर रहे हैं। मेरे नहीं उसके। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे इतना करीब क्यों आई हूँ? वो तो ठीक है मगर। अगर मगर कुछ नहीं, देखो जिंदगी तुम पर हमेशा मेहरबान नहीं रहेगी। बस बालों में चांदी आने की देर है, घुन लगी फसल की तरह गोदाम में पड़ी पड़ी गल सड़ जाओगी। मैं तो इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी भी सारे खानदान से चोरी चोरी अपने बहन भाइयों की कफालत के लिए कर रही हूँ। बड़ा नाक वाला है हमारा खानदान, उन्हें पता चलेगा ना तो मुझे और उसे जहन्नम नसीब कर देंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, देखो मैं पिछले 10 साल से शादी कर इतनी कामयाबी से चला रही हूँ कि आज तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मगर ये लड़का करता क्या है? भाई अमेरिका में इसका अपना जाती कारोबार है, इतना बड़ा बंगला है, ऐश करोगी ऐश। मेरे छोटे बहन भाइयों का क्या बनेगा? उनका क्या बनना है, वो तुम्हारे साथ जहेज में जाएंगे? मशीन इस्तेमाल करने वाले उनके डब्बे अपने घर में कब तक बर्दाश्त करते हैं, और मैं अपने यतीम बहन भाइयों को। अच्छा यूं करते हैं कि उनको हॉस्टलों में दाखिल करा देते हैं, मैं उनकी सरपरस्ती करूंगी और तुम उनको खर्चा भेज दिया करना, और साल में एक बार आके उनसे मिल जाया करना। हाँ सफर भी अगले साल मैट्रिक पास कर लेगा और फिर अपना और सकीना का बोझ उठाने के काबिल तो हो ही जाएगा। लो भाई समीना, मेरा काम तो हुआ खत्म, मैं कल सुबह अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। और तुम ऐसा करना कि नेक्स्ट फ्राइडे यानी अगले जुमे को सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना, और वो विजिटिंग कार्ड संभाल लिया ना तुमने? हाँ जी संभाल लिया। तो ऐसा होगा कि सुबह 11 बजे तुम्हारा निकाह हो जाएगा और उसी दिन शाम 4 बजे तुम दोनों की अमेरिका के लिए रुखसती भी हो जाएगी। मुझे अब भी बहुत डर लग रहा है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे बहुत टाइम हो गया, तुम ऐसा करो अब तुम वापस जाओ, ऐसा ना हो कहीं तुम्हारी तलाश शुरू हो जाए। और अब हमारी मुलाकात अगले जुमे को होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी ठीक है। ठीक है हाँ जी। इस्माइल मुगल अब्दुल साहब, ये है नसीब चीजू। चीजू? अच्छा हाँ जी। चीजू कौन नसीब भाई? वो नहीं है अपना इधर सजे पासे जो रहते असरार साहब, उनका बेटा है।
कौन से असरार साहब? वो जिनके खबे पास शाह जी रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बाकी कौन है भाई? अब बाकी मैं बताता हूँ जी, ये हाँ जी अदनान साहब, ये शाजू साहब और फरहाद, इफ्तिखार, बाबर, ये है शर्मा साहब, ये नासर साहब, ये है जी शीरमार, शेरयार कहा है इसने। अच्छा, और वो है लोशे लोशे, पलवशा। अच्छा पलवशा, लेकिन किस चक्कर में अंदर किधर? बुहानी साहब ये बाल फूल तोड़ रहे थे ना, मैंने इनसे कहा कि अंदर टाफियां दूंगा, अंदर ले आया हूँ, अब आप सुधार दे। ये भी सुन रहा है? अच्छा मैं करता हूँ कुछ। बच्चो आपने फूल तोड़े? क्यों अंकल, यहाँ फूल तोड़ना मन है? बिल्कुल यहाँ फूल तोड़ना मन है। तो अंकल आपने बार बोर्ड पे लिख के क्यों नहीं लगाया? बोर्ड पे लिख के पेंट, हमारे पास पेंटर नहीं है। पेंटर ला देंगे, ला देंगे, कवर कवर लपेटेंगे, कवर करता हूँ। बेटा देखे बात सुने, किसी के किसी दूसरे के घर में जाके वहाँ के बाग से फूल तोड़ना बहुत बुरी बात है। बुरी बात है। यस। लेकिन रैम्बो अंकल ने तो हमें मना नहीं किया था। नहीं किया था वो क्यों? कवर, कवर। अच्छा कवर, कवर। बेटा रैम्बो अंकल का ये कि रैम्बो अंकल जो है ना, ये किसी को मना उस वक्त तक नहीं करते जब तक मुझसे ना पूछ रहे। अभी इन्होंने मुझसे पूछ लिया है, इनसे आप मना है। ये मेरे अफसर है इसलिए। चले आप घर जाए, ठीक है घर जाए। ये किसका भाई है? ये मेरा भाई। ये ले जाए बहन जी, मैं भी बचपन में ऐसे ही गोरा चिट्टा हुआ करता था, बाद में तू ऊपर या काला हो गया। ये लो जी, चीचू चीचू। हाँ बेटा आइंदा बिल्कुल किसी के बाग से जाके फूल नहीं तोड़ना, ठीक है? नेवर, नेवर, नेवर। शाबाश शाबाश, सब जाए जाए। रामू अंकल फूक तो मार कर दिखाए। फूक? अच्छा आ जाए आप जाए। चीचू चीचू, तूने इन बच्चों को भी फूक भी लगाया हुआ है? फूक भवनी साहब, ये फेफड़ों की अस्कर साइज करके बड़ा जरूरी होता है, एक्सरसाइज होता है यार। हाँ जी चीचू चीचू। जी सर, मैं हर मामले को समझता हूँ सर। जी जी सर, जी सर, श्योर सर। मैं सर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है सर, एहतियात तो हर मामले में पहली शर्त होती है। जी सर, जी सर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। Sure sir, I'll take care of everything. Yes sir. Thank you. Bhanvi, ये इतना बेचैनी से किसका इंतजार हो रहा है? मुझे मालूम है। My name is John Rambo. ओए क्या मालूम है तुझे? जी भवनी साहब, वो जो आपकी जान है वो गई। ओए मुंह अच्छा ना, तो बात अच्छी करनी चाहिए। वो भवनवी से बेवफाई नहीं कर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ओए कौन बेवफाई नहीं कर सकती? भवनवी वही, वही जिसका आप बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अब बेचैनी होता है, और मैं तो मिस समीना का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तो हम भी उसी के बारे में बता रहे हैं। हाँ मगर वो कहाँ चली गई? भवनी साहब वो तो मुल्क छोड़ चुकी होगी, बल्कि वो ये जान भी छोड़ चुकी होगी। हम चले इस जहाज दिलों, तेरे मुंह में खाक, भवनवीर को रंजीदा ना कर। ओए रेमो, हाँ जी तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? भवनी साहब हमें ही तो नहीं रखा हुआ आफ्टर कॉल, मैं ना हमें जान है वो, ये जो मैं फूक मारता हूँ इसमें बड़ी सस्पेंस होती है। अच्छा इधर आओ, चलो सस्पेंस निकालो ना जी। मुझे जरा जल्दी से बताओ, कहीं पेशतर इसके के बेगम साहिबा की सहेली के वालदैन मुद्दा हमारे सर डाल दें। बात क्या? नहीं सर वो मुद्दा नहीं डालेंगे जी। हाँ वो तो खुद शरीक जुल्म है जी। क्या वो? हाँ। जी इसका कहने का मतलब है शरीक जुर्म है जी वो। हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो कैसे? वो सर जी वो तो उन्होंने खुद उसे भेजा ही इसीलिए था। यहाँ यार खुलकर बात करो। बात क्या सर जी? वो जो अपना खतून है ना, हाँ। उर्मिस समीना, हाँ हाँ। वो एक ही टाइम में एक ही दिन यहाँ से गई थी, फिर मैं कमरे में गया, मैंने सफाई की, वहां से मुझे एक कार्ड मिला था जी। कार्ड मिला था? हाँ मैंने रखा हुआ जी, मैंने साथ संभाल के रखा हुआ। ये तो तुम्हें जब कार्ड मिल गया था तो उसी वक्त कार्ड मुझे देना चाहिए था, सब पता लग जाता। वैसा जी मैंने सोचा मैं आपको एकदम अचानक सर पैराइज दूंगा जी। सर पैराइज दूंगा गधे कहीं के, ओए सरप्राइज होता है। अच्छा खैर जो भी होता है, बताओ आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? ये वैसा जी कार्ड देखे जी। तो अब क्या हो सकता, फोन करके पता करती हूँ। नहीं वैसा जी कोई फायदा नहीं है, वो देर हो गई है। ओहो रैम्बो रैम्बो रैम्बो, क्या हो गया तुझे? क्यों पहेलियां बुझवा चला जा रहा है, क्यों नहीं बताता सीधी तरह क्या बात है? सर जी मैंने तशखीश की थी जी, वो जो खतून है जी वो शादी घर की मारकर निकली,
और उन्होंने मिस समीना से कहा मैं तुम्हारी आज शाम को शादी कराऊंगी, उसके बाद 4 बजे की फ्लाइट से अमेरिका भेज दूंगी। अच्छा तो ये बात है। अब बात समझ में आ रही है। डोंट वरी, हां हो जाएगा मसला। बालू ये तेरी खैर होगी, क्या हो गया बता। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कौन आदमी? ये सर अजीब आदमी है सर, रात को यहाँ रहता नहीं है सर और दिन में कहीं जाता नहीं है सर। बंदा मैं हीरो नहीं करना कोई कम। ओए डैन डैन रैम्बो साहब, आपको अपनी तस्वीरें कैसी लगी? सर जी आप? हाँ मैं। सर जी मैंने आपको पहचान लिया जी। क्या क्या मतलब? ना सर आप इधर पिछली दफा भी सर्दियों में आए थे, इधर रह के गए। बैठो बैठो, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। सर जी ये मेरी तस्वीरें आपके पास कैसे जी? देखो यार रैम्बो साहब, मैं कोई फोटोग्राफर तो हूं नहीं। अच्छा। मैं तो एक डायरेक्टर हूं। किस महकमे के जी? बड़े भोले हो यार। नहीं सर मैं भोला छोरा नहीं हूं। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो। अपना शमीर साहब नहीं है? हाँ। वो मुझे कहते हैं रैम्बो तुम बड़े भीषणे हो। तुम्हारी कदर वो क्या जाने, तुम्हारी कदर तो जानेंगे हॉलीवुड वाले। और सर जी रहने दें जी, हॉलीवुड वाले जी उधर बड़े अमीर लोग होते हैं जी, इधर बड़ी महंगी महंगी फिल्में बनती हैं, बड़े अमीर लोग काम करते हैं जी, मैं कैसे कर सकता हूँ। अदाकार अदाकार होता है रैम्बो, अमीरी गरीबी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं तो बस ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क में तुमसे बड़ा अदाकार नहीं होगा कोई। सर जी छोड़ें जी, हमें मुझे चौड़ा ना करें, हमें मैं फूल रहा हूँ थोड़ी देर बाद, ये ना हो कि कपड़े तंग हो मैं फट फट आ जाऊँ, बेवकूफ ना बनाए रहने दे। अरे नहीं रैम्बो साहब, बेवकूफ बनाने वाला वो दौर अब गुजर चुका तुम्हारा। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तुम हॉलीवुड की फिल्मों में राज कर सकते हो। अच्छा अच्छा, इसलिए आपने मेरी तस्वीरें चोरी चोरी बनाई हैं, उधर डिमांड आई होगी। वैसे रैम्बो साहब मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। सर ये आप मुझे आप ना करें जी, ऐसे मुझे शर्मिंदगी हो रही है जी। अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरे पक्के दोस्त। सर वो मगर, अगर मगर को गोली मारो मिलावत। अच्छा सर ऐसा करता हूँ पहले, फिर मैं हाथों के आता हूँ। नहीं यार नहीं, मैं एक बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मुझसे हाथ मिलाने के लिए तुम्हें हाथ धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा चले फिर मैं आपसे हाथ मिलाने के बाद जाके खुद धो लूंगा। नटी बॉय। अच्छा सर फिर मैं जाऊं जी। सुनो। हाँ जी। हाथ तो अब ये गेस्ट हाउस वाले धोएंगे। धोएंगे क्या मतलब? अच्छा सर जी फिर मैं चलता हूँ। रैम्बो साहब, रैम्बो जी। हाँ जी। बात यह है कि अभी आप हॉलीवुड नहीं गए तो जरा कमरे की सफाई तो कर दीजिए। ये आपने बड़ा सही किया जी। कि मुझे मेरी औकात याद दिला दी है, कितनी जल्दी बंदा अपनी औकात भूल जाता है। वैसे मेरी औकात क्या है, सुबह सरगी वाले उठता हूँ रात तक औकात है बस। नहीं यार। हाँ जी। माइंड ना करना, जब तक तुम्हारा वीजा नहीं लग जाता। हाँ जी। तुम इसी गेस्ट हाउस में इसी पोजिशन में काम करते रहोगे और इस तरह मेरा तुम्हारा रब्ता भी रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक। शक क्या मतलब है जी, मैं कोई चोरी करने लगा हूं? मैं शमीर साहब को बता के जाऊंगा। ना 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 रैम्बो साहब, जब तक आपका वीजा नहीं लग जाता और आप हॉलीवुड नहीं पहुंच जाते तब तक आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सर पर आइज देना चाहते हैं? सरप्राइज। हाँ जी। वो देखो ना, जब आप वहां से फोन करेंगे शमीम साहब को कि आप एक सुपरस्टार बन चुके हैं तो कितनी खुशी होगी। फिर वो रान होंगे, बड़े खुश होंगे मुझसे। ये सही है, ठीक है। अच्छा फिर मुझे क्या करना होगा सर? हाँ तुम्हें इस वक्त मेरा ख्याल है ऐसा करते हैं कि कल मैं और तुम मेरे एक दोस्त के बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। फिर वहीं से हॉलीवुड के लिए सीधे अमेरिका। अमेरिका। अच्छा सर सर, इसका मतलब है बनना है मैं हीरो नहीं करना कोई कम। बहुत भोला है रैम्बो। क्या रैम्बो गुम हो गया? ओ अपना की ना तेरा आजकल बहु वही दो यार, वही दो है नवीद दो, परेशानी की बात है यार। बात सुनो, रैम्बो कोई मुखसिर तो है नहीं कि दाएं बाएं गायब हो जाए? यार तुम फिक्र ना करो, मुझे पता तुम बड़े परेशान हो, मैं अभी 5-7 सिपाही उसकी तलाश में भी रवाना करता हूँ। यार मेरा वो दोस्त था, उसका मुझको बड़ा हक है,
ना ना परेशान होने की बात नहीं, ओ ना ना ना, खुदा हाफिज। अब पीर बख्शा सर, अपना की नाते राज कल पीर बख्श सरकार, मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अपने साथ पांच सात सिपाही और साथ लो और रैम्बो की तलाश में रवाना हो जाओ। मुझे लगता है रैम्बो कोई फ्रॉड करके भागा। सर वैसे आपके हाथ में फ्रॉड कर कौन सकता है। ये तो है। क्या हुआ? हाँ राज, रैम्बो का कुछ पता चला? हाँ जी बाउनवीर, मैंने सारा शहर छान मारा है जी, रैम्बो के बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि उसे जमीन खा गई है या आसमान निकल गया जी। मेरा तो इन मुलाजमों पर से एतबार उठता जा रहा है जी। तुम मुलाजमों की बात करते हो, मेरा तो मालिक पर से भी एतमाद उठ गया। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये मजाक का वक्त है और मुझे गेस्ट हाउस की फिक्र खाई जा रही है कि यहाँ सफाई कौन करेगा। नहीं सर, और सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी बेहतर सर, बेहतर। मैं कमरे में आता हूँ, आएंगे मेहमान टिपे दे जाएंगे हमें लमी आयाशी कर। साहब जी, गिरधान जी, मेरे जान मुराद, ये जरा चाय के बर्तन मेज पर रखो। ले सर। और दो अदद कप अपने सोने सोने हाथों से बना दो। सर जी ये तो कोई बात ही नहीं ना सर जी, ये ले जी। सर जी ये दूसरा कप कौन पिएगा जी? मैं जीऊंगा मेरी जान। है जी, तो फिर मतलब ये है जी कि ये पहला कप कौन चाय इजी फील करेगा? पहला कप जी मुराद जान जी मेरे साथ जी बराबर सोफे पर बैठ के पिएगा। सर जी आप कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे जी मुझे? नहीं ऐसी बात नहीं है बहादुर, तो ये है कि जिस दिन से मैं इस गेस्ट हाउस में आया हूं ना जी, मेरी जान तुम जैसा बंदा मैंने नहीं देखा, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। सर जी वैसे मक्खन ना लगाए जी, अगर लगानी है तो कोई TIP लगाए। तुम्हारा मतलब है कि टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में तुम्हारे नाम लगा दूं? नहीं नहीं, फिलहाल आप टिप लगाएं। टिप मेरी जान, टिप तो तुम्हें ऐसी लगाऊंगा, ऐसी टिप लगाऊंगा कि तुम्हारी एक तो टिप की आदत खत्म हो जाएगी और दूसरा जी। और दूसरा क्या साहब जी? नौकरी भी नहीं साहब जी, वो गरीब का बाल बच्चा भूखा मर जाएगा जी। ओ बैठो यार जी, बात तो सही है मेरी जान जी, कि मैं जब घर में होता हूं ना कभी अकेले चाय नहीं पीता, आज 8 दिन हो गए हैं गेस्ट हाउस में अकेले चाय पीते हुए। यार आज तुम्हारी परजाई गड़जान नहीं है तो चलो उनकी जगह तुम जरा साथ दे दो मेरा। ओ जी परजाई की कमी तो मैं ऐसी पूरी करूंगा, आप याद रखेंगे सर जी। वैसे मुराद मेरी जान जी, काम तो मुझे तुमसे कुछ और था, ये चाय शाय का तो तुम्हें पता है कि बहाना ही होता है। सर जी आप हुक्म करें जी, मैं आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ बगैर TIP आपके लिए जी। तारे तोड़ने की जरूरत नहीं है मेरी जान, दरअसल एक बहुत जरूरी काम है, वक्त जाया नहीं करना, मैं तुम्हें बताता हूं। ये ब्रीफ केस अयूब चौक में एक आदमी खड़ा होगा। अच्छा जी। सफेद रंग के उसने कपड़े पहने होंगे, ठीक है जी। हाथ में पकड़ा होगा अखबार, क्या भला अखबार, ये उसको जाके देना है। हाँ जी। मेरा सलाम कहना है, कहना है कि दित्तू ने दिया है। हाँ जी। और साथ ये रोका दे देना मेरी जान। अच्छा। सर जी इसमें कोई असला या हीरोइन शून तो नहीं है जी? नहीं मेरी जान, इसमें नोट है, नोट नोट, तभी तो इस छोटे से काम के बस मैं तुम्हें एक कड़कता हुआ नोट दे रहा हूं 1000 रुपए का। सर जी आप तो मुझे स्मगलर लगे हैं जी, कहीं मरवा ना देना जी। नहीं मेरी जान, दरअसल मैंने तुम्हारी परजाई के लिए एफेट में एक मकान खरीदा है, ये पैसे दरअसल प्रॉपर्टी डीलर को देने हैं जो तुम्हें वहां पर मिलेगा, आज पेमेंट का बात है। सर जी वैसे अगर ये आप पैसे खुद ही दे आते तो अच्छा नहीं था जी? मेरे जान और भी दुनिया में बड़े काम होते हैं, इससे कहीं बड़ा काम आज मुझे एयरपोर्ट पे जाकर करना है। हाँ जी वो क्या काम करना जी? एक तो ये पैसे तुम पकड़ाओगे, हाँ जी ठीक है, हाँ जी। दूसरा तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान भी हो जाएगा। साहब जी अगर मैं पास हो गया जी तो फिर हाँ जी फिर तुम मेरे बिजनेस में 50-50 के पार्टनर। मैं ईमान से जी? हाँ अरे मुक गई जी, मुक गई। सर जी छोड़े जी, चलो शाबाश जल्दी से, चलो मेरी जान, चलो मेरी जान, शाबाश चलो। नवीद साहब हमारे कमरे ठीक करा दें। अच्छा हम जरा मरी तक जा रहे हैं घूमने, शाम तक वापस आ जाएंगे। यार जल्दी चलो हमें देर हो रही है। अच्छा वो रजा साहब को राजा बतूल साहब को सलाम बोलिएगा। ठीक है सर, थैंक यू।
सर, वैसे तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, लेकिन इस मसले के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। जी हाँ सर, श्योर सर, मैं हाजिर हूँ सर, आप जैसे कहें। नहीं सर, ये शख्स इसे मैं डील नहीं कर सकता, इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। जी हाँ सर, राइट सर, मैं अभी चेकआउट करता हूँ। राइट सर, आप आ रहे हैं ना सर? ओके, सलाम। देखिए, आप मेरा बिल बना दें, मैं तकरीबन एक घंटे तक चेकआउट कर जाऊंगा। बेहतर है। अटेंशन, अटेंशन, सेना बाहर निकालो। अपना की ना तेरा बल्लब अजकल मुझे पता है। लाल चूहे तुम्हें नजर नहीं आता? सर जी, शाम को मुझे जरा काटे नजर आता है जी। अच्छा, बोलो, मैं तुम्हारी नजर अभी तेज कर देता हूँ। हाँ सर जी, ये नोट ब्रीफ केस से और ये ब्रीफ केस साइकिल से बरामद हुआ है जी। ओए बोलो, ओ तुम गेस्ट हाउस में मामूली से वेटर हो, और इतने सारे ढेर से रुपए और पैसे ये तुम्हारे पास कहाँ से आए हो? चलो इसकी जा, मैं तलाशी लो दोनों मिलके। चलो और सर जी, बस एक खत बरामद हुआ है जी इससे। बस सर जी, इसकी जेब में जार का नोट भी है जो बरामद हुआ था, शोध ने अपनी जेब में रख लिया है। ओए, तो मैं कितनी दफा कहा है, ओए ऐसे रखते सरेआम ना किया करो, और बंदा बाद में भी पैसे निकाल लेता है। फिलहाल चलो, मुझे तो अपनी हिफाजत में रखो। सलाम अलैकुम सर। क्या बात है, क्यों मजमा लगा रखा है? सर ये गेस्ट हाउस का वेटर मुराद है जी, इसके ब्रीफ केस में से लाखों की तादाद में नोट बरामद हुए हैं जी। ठीक है, ब्रीफ केस मेरी गाड़ी में रख दो और मुलजिम को थाने ले आओ, तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा सर, पीर बख्शा सर, अब तुम खुद साइकिल चला के जरा तेज साइकिल चला के आओ, मैं जरा डीएसपी साहब के साथ जा रहा हूँ, मेरे वाकिफ हैं। आओ आओ भवन। वालेकुम अस्सलाम, आज तो तुम्हें हमारे साथ ही चाय पीना होगी। नहीं मैं ना बंदा सर, वो मसला ये कि मैं यहाँ बैठ गया ना सर, तो बाकी मेहमानों की चाय लेट हो जाएगी। मैनेजर साहब तशरीफ रखें, बाकी सब कमरे खाली हैं। कहाँ गए थे बाकी सारे मेहमान? वो गेस्ट हाउस की हालत पर तर्स खाकर नाश्ता किए बगैर अपने अपने काम पर चले गए। हाँ, आप आज फारिग? फारिग? मौनवी, मैं एक मजबूरी की वजह से यहां रुका हूं, और मेरी यह मजबूरी तुम दूर कर सकते हो। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, और मैं ड्राइविंग का रिस्क नहीं लेना चाहता। काम बहुत छोटा सा है, तुम ड्राइविंग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और फिर तुम्हारी गैर हाजिरी में गेस्ट हाउस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मगर सर, वो शमीम साहब से इजाजत लेना होगा। शमीम, तुम उसके फिक्र मत करो, मैंने उससे इजाजत तुम्हारी ले ली है। ठीक है, बेहतर। चलें सर। Thank you.
बात मैंने कही है वो सुना। अजीब है। बैठिए। थैंक यू। वालेकुम सलाम बाउनवीद। शायद कल सब आप ही हैं। ओ यार बाउनवीद, ओ यार ये मशहूर लोग छप नहीं सकते। बाउनवीद, पहचान लिया अपने इन मेहमानों को, लेकिन आज ये सब तुम्हारे मेजबान हैं। मगर सर ये गेस्ट हाउस में तो ये लोग एक दूसरे से नहीं मिलते थे। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी समझ में सब बातें आ जाएंगी बाउनवीद। फिलहाल हम वक्त जाया किए बगैर तुमसे कारोबारी मामला तय करना चाहते हैं। कारोबारी मामला मुझसे क्या मतलब सर? मैं मिल्टन होटल्स का मालिक हूं और ये सब लोग मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। हम गेस्ट हाउस खरीद कर इसे मिल्टन होटल में तब्दील करना चाहते हैं। इसका मतलब है सर कि गेस्ट हाउस को इस हालत तक आप लोगों ने पहुंचाया है? हाँ, हम तुम्हारे इस गेस्ट हाउस को फेल करने के लिए मरहलावार प्लानिंग कर रहे थे। तुम्हें भी हमने यहाँ पर इसीलिए बुलाया। तो मेरे दूसरे साथी रैम्बो और मुराद भी आप लोगों ने इधर उधर किए? इधर उधर नहीं किए, बल्कि मफूज रखे हुए हैं मिल्टन होटल के लिए, और हम तुमसे भी यही तवक्को रखते हैं मेरी जान। सॉरी जी, मैं शमीम साहब के एतमाद को धोखा नहीं दे सकता। ना शमीम साहब होंगे ना उनका एतमाद, तुम्हें धोखा देने की जहमत ही उठाना नहीं पड़ेगी। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? गेस्ट हाउस के मुलाजमों की तरह गेस्ट हाउस के मेहमानों की भी नाकाबंदी कर दी जाएगी। बिलाखर शमीम उड़व छीमा गेस्ट हाउस बेचने पर मजबूर हो जाएगा। और हम उसे खरीद कर रेनोवेट करेंगे और मिल्टन होटल में तब्दील कर देंगे। मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं जाऊं सर? जाओगे कहां बाउनवीद, ये घर नहीं कला है, यहां हमारी मर्जी के बगैर हवा भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमारे इन साथियों के साथ रहना होगा। तुम्हारी खिदमत खातिर होगी, माकूल मुआवजा दिया जाएगा तुम्हें, और फिर मिल्टन होटल में तुम्हें मैनेजर की बजाय चीफ मैनेजर मुकर्रर कर दिया जाएगा। नहर वाले पुल ते भुला के ते छीमा माही किते रह गया। नहर वाले पुल ते भुला के ते छीमा माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते भुला किते। क्या अच्छा नहीं, चलो दूसरा सुना देते हैं। हाय तेरी कंजूसिया, हाय तेरी वैसे शमीम तुम यहाँ जज बहुत रहे। मैं यहाँ बहुत जज रहा, कह चुकी हैं गा चुकी हैं। वैसे आप भी किचन में काम करते हुए बुरी नहीं लगती? हाय हाय, आ गई ना दिल की बात जबान पे। वैसे किचन के बारे में खबरें आपने जरा मुलाहिजा फरमाई है, जो हादसात होते हैं। देखो देखो देखो, मैं कम परेशान हूँ जो और इस किस्म की बातें कर रही हो तुम। ओहो शमीम, इसमें परेशान होने की क्या बात है भाई? नहीं तो ना सही, दफा कराओ, सब मेहमानों की छुट्टी कराओ, आराम से रहते हैं अपने हाउस में राजी बाजी। जी जी जी, कल शाम से सारे के सारे मेहमान जा चुके हैं बगैर बिल अदा किए हुए, पता है आपको? तो बस जा चुके हैं तो फिर क्या है? अल्लाह से दुआ करो कि कभी वापस ना आए, ताकि तुम सीढ़ियों पे और मैं कहीं ये काउंटर पे खर्च ना हो जाए। मगर वो वफादारियों के झूठे दिलासे देने वाला नवीद का बच्चा, वो भी दूसरे मुलाजमों की तरह छोड़ के चला गया, शर्म नहीं आती इन लोगों को? शमीम, गिरती हुई दीवारों का कौन सहारा बनता, और फिर वो कौन सा कोई हमारा मासी का पुत्र था, है कि नहीं? भाई ठीक है, वो मैनेजर था, उसको बैरागिरी करने की क्या जरूरत थी? स्टेटस इज समथिंग यू नो। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस अब ये फलसफा छोड़ो और ये सोचो कि आइंदा ये मेहमानों को आने से कैसे रोका जाए इस गेस्ट हाउस में।
ये लो। ये बात की, ये मैंने बंदोबस्त कर दिया, कर चुकी। कर लिया? हाँ। कहीं बाहर ताले तो नहीं लगा दिए? नहीं, बस तुम जाके जरा देखो तो सही मैंने कैसा पक्का बंदोबस्त किया कि मेहमान ना आए। ओ मेरे कंजूस मियां, आए तेरे कंजूस मियां। हेलो जी, वेलकम गेस्ट हाउस। जी गेस्ट हाउस के मामे, मैं कमरा नंबर 9 से बोल रहा हूँ, जल्दी से जाए लो। ओके। खुदा किसी को इतने बुरे दिन ना दिखाए, टके टके के लोगों से उनकी गुलामियां करनी पड़ती हैं, उनकी खुशामदी करनी पड़ती है। क्या हो गया जमीन, क्या हो गया? कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि जो मेहमान है वो बोर्ड पढ़ने के बाद उन्होंने गेस्ट हाउस की छत पे लैंडिंग शुरू कर दी? जस्ट शट अप। ओहो लो, मैं मुंह ठीक करने के लिए गाने गा रही हूँ वहां, शट अप। क्यों, तुम्हारे बुरे दिन आए होंगे, हमारे तो कोई नहीं आए। हाय तेरी कंजूसी। सॉरी यार, बात पता है क्या है, ये 9 नंबर वाला मेरी समझ में नहीं आ रहा ऊपर कमरे में कैसे पहुंच गया। और देखो नवाब ज्यादा, नवाब का बच्चा कहता है जल्दी से चाय लेकर आओ मेरे लिए, बदतमीजी। तो तुमने रख के मुंह पे चांटा मारना था। अरे चलो छोड़ो, खुद ही एक दिन की बात है, दफा हो जाएगा। वाकई ये आया कैसे? अच्छा शमीम, तो फिर अब क्या करना है? यस, चाय सर। वेलकम वेलकम गेस्ट हाउस के मालिक शमीम, वेलकम। तो ये नौबत आ गई। सर शर्मिंदा तो ना करें सर। सर अगर आप इजाजत दे तो आपका इंतजाम ठहरने का मैं कहीं और कर दूं सर। शमीम साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने अपने दोस्तों और साथियों को यहीं का एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे रखा है, और दूसरा वैसे भी एक आध मेहमान तो आम घरों में भी भूले से आ ही जाता है, आप बलाए जान समझकर 2 दिन और बर्दाश्त कर ले। वो तो आप ठीक कह रहे हैं सर, बात ठीक है, लेकिन बात असल ये थी कि हम लोग बहुत दिनों से आउटिंग पर नहीं गए ना, हम सोच रहे थे कि हम आउटिंग पर चले जाए, जब से गेस्ट हाउस बनाया है ना आउटिंग पर गए नहीं तो वो। चलो शमीम कोई बात नहीं, फिर क्या है, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन बाद चले जाएंगे, तो 2 दिन तक हमारे घरेलू मेहमान की हैसियत से हमारे साथ रह ले, जो हम खाते हैं खा मज़े। इससे ज्यादा क्या इज्जत अफजाई हो सकती है भाभी जी। तो हम चलते हैं फिर, आपसे मुलाकात वहां डाइनिंग टेबल पर होगी सर। ओके ओके, अपने चाय तो लेते जाएं शमीम साहब। करता क्या है पूछ लिया। शमीम इस तरह कितने दिन चलेगा गेस्ट हाउस? भाई अगर बाजार में मुलाजिम रेडीमेड मिलते होते तो मैं कब का खरीद के ले आता। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस सूरत हाल से मैं खुश हूं। अच्छा तुम मुलाजिम खरीद के लिए ना? हाँ। नामुमकिन बातें ना किया करो ना, तुम जैसा कंजूस मुलाजिम मिल भी रहा हो ना तो कहेगा महंगा है, महंगा कह के छोड़ रहा होगे। तुम्हारे लिए तो पता क्या मुनासिब है कि तुम चुपके से लंडे की तरफ निकल लो, वहां कोई ना कोई पुराना मुलाजिम बलायती किस्म का तुम्हें मिल जाएगा। बस कर लिया मजा, मेरे ख्याल है तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो प्लीज। अच्छा तो ठीक है, ये मैं सीरियस। वैसे करते हैं कि हम दोनों निकल चलते हैं रावल झील के किनारे, वहां किसी गोशे में बैठ के रोते हैं, छम 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 टिप टिप। इस तरह तो इस्लामाबाद में सैलाब आ जाएगा। नहीं अच्छा बाकी शमीम बताओ ना फिर, अब क्या करेंगे, गेस्ट हाउस का क्या प्लान है तुम्हारे लिए? वही प्लान क्या, मेरे बस की बात तो नहीं है कि नई भर्ती करूं, उनको ट्रेनिंग दूं, उनको कंट्रोल करूं, मेरे बस का काम नहीं। फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, भेज देते बेच देते बेच देते, हर चीज को बेच देते। अरे सोने की मुर्गी है कैरियो जिबा कर देते, कुड़क रहने के बाद कुछ दिन के बाद फिर सोने के अंडे देने शुरू कर देगी। फल्ला कितनी तुम हजार साला प्लानिंग बता, मैं इतना बड़ा सबर का गिलास हमसे नहीं पिया जाता ना। देखो मैंने एक तरकीब सोची,
और वो ये है कि हम अखबार में इश्तहार देते हैं कि हम गेस्ट हाउस ठेके पे दे रहे हैं। चलो ये ठीक है, वैसे भी शमी हाँ आइडिया आइडिया, वो तुम्हारे भाई ने कितनी दफा हमें खत लिख के बुलाया ना कि आप लंदन आ जाए, हम जा नहीं सकते है ना, उनको गिला भी बहुत है, तो ये सुनहरी मौका है, हम उनके पास चलते हैं, उनका गिला भी दूर हो जाएगा, और कभी अगर अच्छे हालात में तो ये मुमकिन ही नहीं था। चलो बस ठीक है, ऐसे गेस्ट हाउस को ठेके पर देने के लिए अखबार में इश्तहार देने की जरूरत नहीं शमीम साहब। क्यों, आपकी नजर में कोई पार्टी है? कादिम की मौजूदगी में किसी और की क्या जरूरत है शमीम साहब? ये तो वही बात होगी कि बच्चा बगल में ढंडोरा शहर। आपको होना जी बावनी साहब की जगह खड़े होंगे, हम बड़ा मैन करते हैं, मुझे नहीं कभी उन्हें ना यहाँ खड़ा होने दिया, आप बाहर आके बात करें, इधर आए मेरे फेस टू फेस सामने। आपकी तारीफ, आप नहीं मुझे जानते जी, माय नेम इज रामाजान रंबो, आई एम अटेंडेंट इस जगह पे, यस। अच्छा तो सबक अटेंडेंट साहब, वो सब तो जा चुके। सबक क्या जा, किधर, कौन जा चुके हैं जी? शमीम साहब ने ये गेस्ट हाउस तारिक साहब के हाथ भेज दिया है। आप हमें डराने वाली बातें ना करें, भेज दिया, वो बड़े अच्छे हैं, वो नहीं भेज सकते, आप बाहर आए। अब यहाँ का मैनेजर मैं हूँ, मुझे क्या जरूरत है आपसे मजाक करने की? आप किधर से मैनेजर आया जी? बानवी साहब मैनेजर आए, इधर के आप बाहर आए। और हाँ, ये सर्वेंट क्वार्टर में गालबन तुम्हारा ही सामान पड़ा था, उठाइए और चलते बनिए, चलिए मैं चलिए, इधर काम करता हूँ जी, काम करता हूँ। Thank you.
की भी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है यार। यार पता नहीं उस कमबख्त ने शमीम साहब से क्या कह दिया था यार। यानी किसी ने गरीब की बात ही नहीं सुनी यार। यार मुराद लगता है हम सारी उम्र गरीब रहेंगे, हम कभी अमीर नहीं होंगे। हम या हमारे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे इसी तरह लोगों के घरों में सफाइयां करते रहेंगे, लोगों का जूठा खाना खाते रहेंगे।